करेंसी बड़ी मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 13 मार्च 2024 वेंसडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष वर्मा। कल के दिन में जो मेजर डेटा था आपका, दोपहर में यूके एम्प्लॉयमेंट चेंज जो था उसका आउटकम था नेगेटिव, मींस डेटा खराब आया था अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन ऑफ 10,000। इट केम एट -21,000। एंड आपका जर्मनी का इन्फ्लेशन रेट भी था जो एज पर द मार्केट फोरकास्ट था 0.25 फोरकास्ट था एंड एक्चुअल भी 0.25 आया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाज योर यूनाइटेड स्टेट्स इन्फ्लेशन कोर सीपीआई डेटा। सीपीआई डेटा फोरकास्ट जो था 3.7 था लेकिन एक्चुअली आया 3.8, तो मींस 0.1% हायर देन द मार्केट एक्सपेक्टेशंस। इवन द मंथ ऑन मंथ वाज आल्सो केम एट 3.2% अगेंस्ट द फोरकास्ट ऑफ 3.1%। ये हो गया इकोनॉमिक डेटा। अभी यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आफ्टर द यूएस सीपीआई डेटा डॉलर इंडेक्स ऊपर गया, ऊपर गया आपका 103.18 तक, लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया द हायर टेरिटरी। सो फाइनली क्लोज्ड एट 102.92। हमारे यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशंस क्या था, एक्सपेक्टेशंस ये जो आपका 8 मार्च का एक डोजी कैंडल था, डोजी कैंडल के हाई के ऊपर पुल बैक टुवर्ड्स द रेजिस्टेंस दैट इज योर 103.50, 103.50 तक जा नहीं पाया, रेदर 103.20 के नजदीक आके फिर नीचे की तरफ आ गया। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट में अभी प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने का प्रोबेबिलिटी है। जब तक ये 8 मार्च, 8 मार्च का लो तोड़ते नहीं, एक बार 8 मार्च के लो को तोड़ देते हैं इन सच ए केस डाउनवर्ड प्रेशर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जीबीपी डॉलर, जीबीपी डॉलर में हम एक पुल बैक, एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पॉजिटिव कैंडल का एक्सपेक्ट कर रहे थे, समथिंग लाइक दिस व्हिच इज गोइंग टू एनगल्फ द मंडे का नेगेटिव कैंडल। लेकिन आपका जो यूके का एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा आया बहुत ही खराब आया जिसके कारण डॉलर जीबीपी पिट गया, पिट गया। उसके बाद फिर ये यूएस सीपीआई डेटा आया उसके कारण भी पिट गया। बट फॉर्चुनेट thing is that although it traded an intraday low of 1.2744 but couldn't sustain lower and finally closed at 1.2792. currently it is trading there at 1.2794. so yahan pe jo kal ke din mein jo pull back from the intraday low it is a positive sign. abhi hame intezar hai ek din ka जो ये मंडे का 11 मार्च के हाई के ऊपर जाके क्लोज करेगा, क्या ये आज होगा, कल होगा या परसों होगा, वो हमें देखना है। उसके बाद जैसे ही आपका मंडे का हाई के ऊपर सस्टेन करना चालू करेगा एंड स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ क्लोज देगा, इन सच ए केस जीबीपी डॉलर देयर आर हायर पॉसिबिलिटी कि इट इज गोइंग टू हेड टूवर्ड्स 1.31। लेकिन अभी कॉन्फर्मेशन जरूरी है, दिल्ली अभी दूर है। जीबीपी आईएनआर में भी सिमिलरली कल के दिन में एक अच्छा खासा सेलिंग देखा गया। It traded an intraday low of 105.58 but couldn't sustain at the low level and finally closed at 105.94. currently it is 105.88. so यहाँ पर भी एक अच्छा खासा पुल बैक देखा गया। अभी हमें क्या इंतजार है, हमें इंतजार है एक ग्रीन कैंडल, पॉजिटिव कैंडल जो आपका मंडे के हाई के ऊपर क्लोज दे। यहाँ पे अगर मंडे के हाई के ऊपर क्लोज देगा तो और एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है, दिस वन 106.70 से 106.90 का, इसको भी तोड़ना है। ये दोनों रेंज को तोड़ने के बाद ही जीबीपी आईएनआर में एक मोमेंटम देख सकता है। सो अभी कुछ है नहीं, अभी सिर्फ हवा हवा ये बातें हैं। अभी कंफर्मेशन जरूरी है अगर ऊपर जाना है तो, अदरवाइज क्या थोड़ा सा साइडवाइज कंसोलिडेशन यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं यूरो डॉलर, यूरो डॉलर में भी हमें पुल बैक के बाद बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना था। कल के दिन में एक डोजी कैंडल बनाया है विद एन इंट्राडे हाई ऑफ 1.0943 एंड लो ऑफ 1.0902, करेंटली ट्रेडिंग एट 1.0927। यहाँ पे हमें ये 8 मार्च के कैंडल के हाई के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, ग्रीनिश बुल कैंडल चाहिए। क्यों चाहिए,
अगर यहाँ पे एक ट्रेंडेड मूव करना हो तो नीचे की तरफ ट्रेंडेड मूव नहीं है, बायर सेलर्स एकदम मेस क्रिएट करेगा. दैट इज द रीजन बिकॉज वी नीड ए ट्रेंडेड मूव, वेदर इट इज एन अप ट्रेंडेड मूव और ए डाउन ट्रेंडेड मूव. बट उसी ट्रेंडेड मूव में हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगा. सिमिलरली यूरो आईएनआर में भी हमें 8 मार्च के हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल, पॉजिटिव ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल चाहिए. इन सच ए केस ये हायर ऑर्बिट में जाने के लिए तैयार हो सकते हैं. एज ऑफ नाउ यूरो आईएनआर में हम देखेंगे हायर आई हायर लो बना रहे हैं, इट्स ए गुड साइन. लेट इट कंटिन्यू. डॉलर येन, डॉलर येन में हमारा जो एक्सपेक्टेशंस था, क्या एक्सपेक्टेशंस था, ये आपका मंडे का एक पिन बार बनाया था, हैमर या पिन बार बनाइए, जिसके कारण यहाँ पे ऊपर की तरफ पुल बैक होना था, विच में टेस्ट द इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल ऑफ 147.70 से 147.90 का उसी जोन पे टेस्ट किया. टेस्ट किया, इंट्राडे हाई आपका 148.16 था, बट कुडन सस्टेन एट हायर एंड्स एंड क्लोज्ड एट 147.64. करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 147.35. व्हाट नेक्स्ट, ये रेजिस्टेंस को टेस्ट हो चुका है. अब नाउ कंसीडरिंग दिस एज द रेजिस्टेंस जोन, अभी हमें देखना है ये जो स्विंग लो है, स्विंग लो को ब्रेक करना नीचे के तरफ, कौन सा लेवल, 146.4045 लेवल्स को नीचे की तरफ अगर तोड़ते हैं विद ए स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल इन सच ए केस समथिंग लाइक दिस. आपका एक नेगेटिव कैंडल चाहिए इस टाइप का, तभी जाके डॉलर येन में फर्दर सेलिंग हम देख सकते हैं. फर्दर सेलिंग बोले तो एक ट्रेंडेड डाउनवर्ड मूव, जिसके लिए ये कंडीशन प्री कंडीशंस है. येन आईएनआर में सिमिलरली हमारा जो कल के दिन में एक नेगेटिव कैंडल, ऐसे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि बैक टू बैक चार पांच पॉजिटिव कैंडल, ग्रीन कलर का कैंडल था, इसके बाद एक पुलबैक जरूरी था. ये पुलबैक हो गया, बहुत बढ़िया. अभी हमें क्या चाहिए, एक ग्रीन कैंडल जो पिछले दो दिन के नेगेटिव बायस को वाइप आउट कर दे, समथिंग लाइक दिस, इस टाइप के आपका ये कर दे. सो तब जाके यहाँ पे एक अपवर्ड जाने का जो टेंडेंसीज है वो हो जाएगा. अभी ये जो स्विंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको याद होगा हम एक एक्सपेक्ट कर रहे थे डबल रेजिस्टेंस, ऐसा ब्रेकडाउन करने के बाद हमें बाइंग के लिए डबल रेजिस्टेंस चाहिए थे, एक रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस. डबल रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद जो ऊपर की तरफ जाएगा तो एक ट्रेंडेड मूव दिखाई देगा, जो अभी हमें यहाँ पे ये सेकेंड रेजिस्टेंस है. देखो आप यहाँ से जो बेसब किया, फर्स्ट रेजिस्टेंस देन सेकेंड रेजिस्टेंस, इसको तोड़ने के बाद अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ प्राइस एक्शन बनते हैं इन सच ए केस, हमें एक बढ़िया सा अपवर्ड बायस ट्रेंडेड मूव हमें मिल सकते हैं जापानीज येन, येन आईएनआर पे डॉलर कैंडी 1.3495. ये कंसोलिडेट कर रहे हैं, कंसोलिडेशन इज इन 1.3350 एंड 1.3550, इसको करने देते हैं, वेट करते हैं. ऑसी डॉलर 0.6611 करेंटली इट इज ट्रेडिंग इट, यहाँ पे हमें एक बुलिश कैंडल का इंतजार है, तभी जाके कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जो बुलिश कैंडल आपका ये पूरा का पूरा जितना भी सेलिंग है सेलर्स को एंगल्फ कर दे, इन सच ए केस हमें एक बढ़िया सा अपवर्ड बायस हमें मिल सकता है. यहाँ पर भी हमें डबल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का इंतजार था, इसके हाई के ऊपर यानी 0.6665 के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज देते हैं तो ये सेकेंड रेजिस्टेंस को भी तोड़ेगा. इन सच ए केस we expect a trended up move. CNA 7.1905 कल के दिन में लो में था, लो ऑफ 7.1690, but it will sustain at the low. So फिर दोबारा 7.19 हो चुका है, वही 7.23 on the higher side and 7.17 on the lower side, इसी के बीच में घूम रहे हैं. अभी आते हैं ब्रेंट क्रूड. ब्रेंट क्रूड जो करेंटली ट्रेडिंग एट 82.02, ये ब्रेंट क्रूड कैस्चर्ड है, ये एक रेंज बन गया ऊपर की तरफ 83.8090 एंड नीचे की तरफ आपका 80.570 का एक जोन है. इस जोन से बाहर निकलना पड़ेगा.
ऐसे भी बोलिंजर बैंड स्क्वीज हो रहा है, थोड़ा स्क्वीज के बाद एक ब्लास्ट का बैंड व कैंडिडेट का एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पे हमें इंतजार करना है। उसके बाद आते हैं यूएस 10 ईयर ट्रेजरी। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी करेंटली ट्रेडिंग है 4.14, 4.14 कल के दिन में एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखा गया। बाउंस बैक यहाँ पे हमारा जो इमीडिएट जो एक रेजिस्टेंस है वो है सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड व्हिच इज नथिंग बट द 20 पीरियड मूविंग एवरेज। इस जोन के मींस ऊपर क्लोज नहीं देना चाहिए। देन इन सच ए केस हमें क्या एक्सपेक्टेशंस है, ऐसा करके एक एक्सपेक्टेशंस यस इस टाइप का एक एक्सपेक्टेशंस हम कर सकते हैं। इस क्या इस टाइप का कोई मूवमेंट होते हैं इन सच ए केस, अच्छा खासा डाउनवर्ड मूव, लेकिन उसके लिए हमें 8 मार्च का लो को तोड़ना जरूरी है जो अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी ये भी बाउंस बैक किया, बाउंस बैक करके अभी कहां पे है, सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड। अभी इंपॉर्टेंट इज दिस 20 पीरियड मूविंग एवरेज, प्राइस को इसके ऊपर क्लोज नहीं देना है। इसके ऊपर क्लोज देगा तो यहाँ पे जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो निगेट कर जाएगा। इन अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर दोबारा लो को टेस्ट करते हैं इन सच ए केस 4.20 का हमें एक एक्सपेक्टेशन हो सकती है। उसके लिए 8 मार्च का लो में नीचे क्लोज देना जरूरी है। सो ये सब हो गया अभी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर यूएसडी आयरन। USDN currently 82.78, so gradually ये lower lows के तरफ आ रहे हैं strongly, and support जो है वो shift किया, पहले 82-80 था, अभी हमारा ये expectation से 82-40, 82-60 as a support zone, ऊपर की तरफ 82-95 से 83-10 एक resistance zone हो सकता है for intraday और short term trading purpose में। ये यहाँ पे actually technically ये मीन्स जब ग्रेजुअली हाइज नीचे आते हैं एंड सपोर्ट सेम रहता है तो यहाँ पे एक स्क्वीज ब्रेकआउट होते हैं। स्क्वीज ब्रेकआउट में ये नीचे की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन सिंस आपका इनविजिबल हैंड्स स्ट्रॉन्गली इफिशियंटली हैंडलिंग द वॉलेटिलिटी, जिसके कारण ये एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज डॉलर भी काफी नीचे आना चाहिए था। सो जब तक यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी है, extension of the invisible hands action both on support as well as in resistance, ye ek possibility hai jiske jis possibility ka karan dollar rupee aur bhi squeeze kar jayega। ek dusra wala possibility hai ki ye उन लोगों का जो नजरिया है, पर्सपेक्टिव है डॉलर रुपी को एक रेंज के अंदर में रखने का, उसमें कुछ चेंजेस आए। ये अगर चेंजेस आते हैं तो रेंज शिफ्ट हो जाएगा, रेंज चेंज हो जाएगा। सो अभी हमें वही इंतजार करना है इनविजिबल हैंड्स का। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स एंड दोस हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल। रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।